दोस्तों, ये हमारा DJI का टेलो है जो कि हमने 2020 में मंगवाया था फरवरी में। ये उसका अनबॉक्सिंग है, इंटेल इनसाइड ऐसा लिखा हुआ है बॉक्स पे, ब्रांडिंग मिल जाती है टेलो की DJI की तरफ से। तो दोस्तों, हमने ये अमेज़ॉन से मंगवाया था, बिल्कुल सील पैक्ड है। अभी हमने इसको खोला है तो ये कुछ इस तरह से मिल जाता है कवर के साथ में, मतलब प्लास्टिक कवर है इस बॉडी को कवर करने के लिए और छोटा सा बॉक्स है, बॉक्स में कुछ नहीं है। खोलते फटाफट से इसको देखते इसके साथ क्या क्या मिल जाता है। तो ये सिलिकॉन जेल है, हाँ यहाँ प्रोपेलर मिले हैं, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स है और यहाँ पर बैटरी लग जाती है। ये मिल जाता है इसका चार्जिंग केबल, ये है छोटी सी बैटरी, मिनी सी बैटरी है दोस्तों, जो कि 10 मिनट तक का फ्लाइंग टाइम दे देती है। सो उसको उड़ा के देखते हैं और इसका कैसा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बार दोस्तों मैंने मेरे ऑफिस में ही ड्रोन फ्लाई करके देखा, इन हाउस मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम। इसको फ्लाई करने के लिए एक DJI का ऐप आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना होता है और वो इजीली कनेक्ट हो जाता है ड्रोन से, और जो भी फुटेज आप क्लिक करोगे मतलब वीडियोस बनाओगे, फोटोज लोगे, वो आपके मोबाइल की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। दोस्तों, इस ड्रोन को उड़ाना उतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये मोबाइल से ऑपरेट करना पड़ता है और कनेक्टिविटी कभी भी लूज हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों, इतना हल्का लाइट वेटेड है कि हवा के झोंके से ये इधर से उधर कभी भी चले जाता है, तो आप जब खुली हवा में उड़ाएं तो संभल के उड़ाएं। इसको डिटेल में कैसे ऑपरेट किया जाता है अगर आपको जानना है तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना लूंगा। अभी फिलहाल तो ये रखा हुआ होता है तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास DJI का मैविक मिनी है जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये लेफ्ट साइड में जो फुटेज देख रहे हो वो ड्रोन से ली हुई है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा है इसका और 720p का रिकॉर्डिंग मिल जाता है इसमें, फ़ोटो और वीडियो काफ़ी ठीक ठाक आ जाते हैं डे टाइम में, नाइट टाइम में कैमरा और ड्रोन दोनों काम नहीं करते हैं। सस्ता सा ड्रोन है दोस्तों, फिर भी हमने इसके साथ बड़े मजे किए और काफ़ी सारे वीडियो शूट्स लिए हैं। स्पेशली हमारा ताड़ोबा का ट्रिप जब हुआ तब हमने इस ड्रोन का यूज़ किया था रिसॉर्ट के अंदर, वो वीडियो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगा आने वाले अगले वीडियोज़ में, तो बने रहिए मेरे चैनल पर।